हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते, निशिवान्य। फिर से एक बार संजोग राय ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। आप लोग हम बोले थे कि आज से पहले वाला ब्लॉग में बोले थे कि मेरा आज लास्ट ब्लॉग होगा यहाँ पर, मगर उधर थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के कारण से तो अभी हम अपना ही गांव में रुके हुए हैं और आप लोगों को और यहाँ अपना जगह का एक्सप्लोर करने का मौका मिला। तो फिर से एक बार अभी हम आज एक जगह में जाएंगे जिसका नाम है बेलटार, और वहाँ जाके आप लोगों को बहुत सारा कुछ दिखाने का हम प्रयास करेंगे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर हम अभी चाय बागान के बीच में अभी रेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर नीचे आप लोग जो गांव देख रहे हैं बहुत ही अच्छा गांव देख रहे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नीचे खाली आप लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये चाय का खेती है। और अभी दो तीन दिन समय मिला और आज और कल टाइम मिला तो हम सोचे कि आज आप लोग क्यों ना एक जगह में घुमाएं जो जगह हम अभी नहीं गए थे। हमको सोच रहे थे कि अभी आफ्टर दशहरा दिवाली के बाद अब हम यहाँ पर आएंगे तभी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे, मगर भगवान ने मुझे मतलब कि हेल्प किया कि आप लोगों को वो सब चीज़ दिखाए और वो जगह भी आप लोगों को एक्सप्लोर किया जाए। तो आज वहीं जाएंगे और वहाँ जाके आप लोगों को बहुत सारा कुछ दिखाने का हम प्रयास करेंगे। तो फिर से एक बार थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और आप लोगों का सपोर्ट का और मुझे ज़रूरत है। और मुझे मेरा वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके जगह जगह पहुँचाइए और मुझे आप लोगों का सपोर्ट दीजिए तो मैं आगे बढ़ने का और प्रयास करूँगा। तो अभी देखिए, अभी आपका यहाँ पर अभी हूँ और पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर गाँव और यहाँ पर नीचे चाय का खेती देख रहे हैं आप। तो ठीक है, अभी हम जाएंगे और वहाँ जाके आप लोगों का बेलटार में जाके वहाँ का व्यू भी आप लोगों को दिखाने का हम प्रयास करेंगे। तो बने रहिएगा मेरा चैनल में, कहीं मत जाइएगा। अभी हम आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जैसे कि आप लोग हम बोले थे कि हम बेलटार जा रहे थे, तो अभी रास्ता में अभी हम रुके हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं ये सब चाय बागान का खेती है। यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को बहुत बार दिखा चुके हैं, मगर ये जो आप लोगों का दृश्य देख रहे हैं बहुत ही अच्छा, हमको भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा भी फर्स्ट टाइम है यहाँ पर आना और आप लोग ये सब चीज़ दिखा पा रहा हूँ मैं, तो मुझे बहुत ही खुशी लग रहा है। अभी ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको जाना है, और वही आपका बेलटार है। वहाँ पर एक छोटा सा पाउंड है, झील है, उसके बाद में वहाँ पर होम स्टे वगैरह वगैरह होगा और वहाँ आप लोगों को हम दिखाएंगे। अभी देखिए बादलों ऊपर ऊपर से उड़ रहा है और उसके नीचे चाय बागान का खेती आप लोग देख रहे हैं। बहुत ही मनमोहक दृश्य आप लोग को हम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मेरा वीडियो के थ्रू। और आप लोग कैसा लग रहा है कमेंट के थ्रू हमको बताइएगा। और अभी हमको जाना है इस रास्ता के थ्रू नीचे।
तो अब आपको ले जाएंगे वहाँ पर बेलटार में, और वहाँ पर आप लोगों को हम दिखाएंगे। देखिए अभी अभाग्य वंश ये अंदर बंद है। अभी यहाँ पर एक पप्पी, खाली पप्पी ही मिला है अंदर, तो यहाँ पर बंद है। देखते हैं, पता करेंगे। देखिए यहाँ का ऐसा दृश्य, यहाँ पर ऐसा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अच्छा प्लेस है, घूमने वाला जगह है, मगर क्या करें, अभी गेट में ताला लटका हुआ है। देखते हैं, बुलाने का कोशिश हम करेंगे। भाई यदि मिल जाएगा तो अंदर जाएंगे, नहीं तो आप देखते हैं। तो अभी बेलटार तो बंद था, मगर आप लोगों को आज घुमाना है, तो आप लोगों को कुछ दिखाना है, तो इसलिए अभी हम आ चुके हैं। यहाँ पर एक जगह है जिसको नाम बोलता है तुरुक, और वहाँ पर एक आप लोगों का बहुत बड़ा गुम्बा है। आप लोगों को गुम्बा के विषय में हम नहीं बोले थे। गुम्बा मतलब कि जो बुद्धिस्ट लोग पूजा करने वाला जगह, उसको हम लोग गुम्बा बोला जाता है। उसमें बुद्ध भगवान का बहुत सारा चीज़ वहाँ पर मिलता है, और वहाँ पर आप लोगों को हम जाकर दिखाएंगे। अभी ये रास्ता के थ्रू हमको नीचे जाना है, और आप लोगों को वो सब चीज़ दिखाएंगे, और यहाँ का व्यू भी आप लोगों को दिखाई देते हैं। यहाँ पर जैसे कि ये जो एरिया पड़ रहा है, ये एरिया है आपका वो एरिया जिसको हम सुनताले बोलते हैं। उसके बाद में वहाँ पर मंगपू, कालिम्पोंग, बहुत सारा जगह आप लोग देख रहे हैं। हालांकि उतना क्लियरली नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर आई थिंक कालिम्पोंग में अभी बारिश हो रहा होगा, वहाँ पर थोड़ा सा धुंध ज़्यादा है, और अभी हवा बहुत सारा अच्छे से चल रहा है यहाँ पर। तो हम जाएंगे और आप लोगों को गुम्बा के पास जाके आप लोगों को वहाँ पर वहाँ का व्यू दिखाएंगे, और उसके बाद में कुछ बातें करेंगे आप लोगों से। तो अभी फाइनली हम गुम्बा के करीब आ चुके हैं, और नीचे आप लोग देख रहे हैं गुम्बा से आप देख रहे हैं, यही गुम्बा का मेन पार्ट है। अभी हम जाएंगे इस रास्ते के थ्रू नीचे, और वहाँ जाके आप लोगों को वहाँ का व्यू दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून, बने रहेगा मेरे चैनल में, और कहीं मत जाएगा। और आज आप लोगों को दिखाना है गुम्बा, आप लोगों को हम वहाँ ले जाएंगे। तो अभी हम गुम्बा में पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बहुत सारा ऐसा पत्थरों में आर्ट किया है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर अभी ये जो गुम्बा है, अभी ये निर्माणधीन अवस्था में है, अभी इसको मतलब कि निर्माण कार्य चल रहा है। और उसके बाद में ये तो आपका हो गया निर्माणधीन मंदिर, मतलब कि गुम्बा। और उसके बाद में यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं, ये है आपका मेन गुम्बा। और उसके बाद में ये गुम्बा की तरफ आपको ले जाएंगे, देखते बहुत ही अच्छा दिख रहा है स्तूपा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ पर। और आप लोगों को अब नीचे ले जाएंगे। अब ये नीचे इस रास्ता के थ्रू हमको जाना है ये गुम्बा की तरफ, और आप लोगों को लेके जा रहे हैं हम। तो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है वहाँ पर, और बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, देखिए। और आप लोगों को हम नीचे ले जा रहे हैं, उसके बाद में नीचे ले जा के दिखाएंगे, और भी बहुत सारा चीज। और यहाँ पर यहाँ से आपको व्यू भी दिख रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा।
देखिए यहाँ से नीचे का व्यू बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। पूरा पहाड़ों के बीच में एक गुंबा अवस्थित है और बहुत ही मनमोहक दृश्य आप लोगों को हम मेरा वीडियो के थ्रू दिखा पा रहा हूँ मैं तो। ये हालांकि अभी गुंबा बंद है, इसमें अभी अंदर फ़ोटो लेना मना है, तो इसलिए हम अंदर का फ़ोटो व्यू नहीं ले रहे और बाहर से आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ ये सब चीज़। और ये आप देख रहे हैं, एक बार हम बोले थे ये आपका लुमदर बोला जाता है और बुद्धिस्ट परंपरा में ये पवित्र आपका ध्वजा है और पूजा जब भी बुद्धिस्ट में बौद्ध धर्म के अनुसार जो भी पूजा होता है बुद्धिस्ट लोग पूजा करते हैं तो उसमें ये ध्वजा का यूज़ होता है। और आप लोगों को हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं यहाँ पर जो भी व्यू है। अभी हमको भी यहाँ आके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, मतलब कि कभी कभी जब भी मन अशांत हो जाता है तभी भी कोई भी मन में चिंता पड़ जाता है तभी हम अपना मंदिर में जाके साक्षात में गुंबा में जाके चर्च में जाके जब बैठेंगे ना तब मन थोड़ा सा हल्का फील होता है। और मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है क्योंकि बहुत सारा ऐसा परेशानी होता है लाइफ में और लोग परेशानी से उग भी जाता है, मगर जब भी हम मंदिर मस्जिद चाहे वो गुंबा चाहे वो मंदिर कहीं पर भी जाएंगे ना तो मन थोड़ा सा लगता है ना कि स्वच्छ हो गया, शांत हो गया। तो यही सब चीज़ है, अभी आप लोगों को मेरा वीडियो के थ्रू ये सब चीज़ दिखा पा रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो अभी हम आप लोगों को घुमा रहे हैं यहाँ पर और थोड़ी देर आप लोगों को घुमाएंगे, उसके बाद में हम जाएंगे अपना घर की तरफ। तो बने रहिएगा मेरा चैनल में। तो अभी हम वापस जा रहे हैं अपना घर के तरफ। तो आप लोगों को हम दिखाए कि गुंबा भी दिखा रहे, बहुत सारा चीज़ आप लोगों को एकदम दिखा पाए तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। और फिर से एक बार जब भी हम मौका मिलेगा तो फिर आएंगे, जो भी यहाँ पर बुद्ध जयंती होगा वो भी कोई भी प्रोग्राम होगा तो हम ज़रूर आएंगे। तो अभी ये व्यू आप लोगों को दिखाते जाएंगे हम, और यहाँ से आप हम थोड़ा ऊपर जाएंगे और उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर जाके आप लोगों को कुछ बातें करके आज का ब्लॉग को मैं एंड करूँगा। मगर आप लोगों को ये गुंबा का व्यू फिर से एक बार दिखाते हम जाएंगे ऊपर। तो ठीक है, अभी जा रहे ऊपर जाके आप लोगों को थोड़ा बहुत आप लोगों से बातें करके आज का ब्लॉग का एंड करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ा ऊपर जाके। तो आज आप लोगों को बहुत सारा चीज़ हम दिखा पाए मेरा वीडियो के थ्रू, तो मुझे खुशी मिल रहा है कि मेरा वीडियो के थ्रू आप लोग आप और हम कनेक्टेड हो रहा है और आप लोगों का प्यार इसी तरह से हमको देते जाइएगा और हम आप लोगों को बहुत सारा ऐसा चीज़ दिखाने की कोशिश करें। और उसी बात में अभी आफ्टर 2-3 वीक्स हम आप लोगों को बहुत सारा नया नया कंटेंट भी देने का प्रयास करेंगे। और मेरा मोटो यही था ना कि दार्जिलिंग में जब तक हूँ तब तक मैं यहाँ का नेचुरल ब्यूटी का आप लोगों को दिखाऊँ। और उसके बाद में अभी आफ्टर मैंने बोला आपको 2-3 वीक्स बहुत सारा ऐसा वीडियो आप लोगों को हम देने का प्रयास करेंगे और देंगे भी। तो इसी तरह से लगातार सपोर्ट बनाए रखिएगा, इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा और इसी तरह से संजोग राय ब्लॉग्स को
सपोर्ट करिएगा, और ये मेरा वीडियो को भी आप लोग को अच्छा लगा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों के पास पहुँचे और मुझे सपोर्ट मिले, और आप लोगों का सपोर्ट आप लोगों का प्यार इसी तरह से मिला और मिलता रहेगा, तो हम एक दिन आप लोगों को बहुत सारा ऐसा चीज़ देने का प्रयास तो क्या एकदम वादा करते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही, और उसके बाद में अदर चीज़ भी आप लोगों को देने का हम प्रयास करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक स्टे ट्यून, मुझे प्यार बनाए रखिएगा, और उसके बाद में सपोर्ट करके रखिएगा, और आप लोगों को बहुत सारा नया नया कंटेंट आप लोगों को देने का हम प्रयास करेंगे तब तक के लिए। सो बाय बाय एवरीवन, और उसके बाद में एक चीज़ और बोलेंगे आप लोगों को आज, कि सभी के साथ मिलजुल के रहिए, सभी के साथ प्रेम बांटिए। अभी हम यहाँ पर आए, गुम्बा में आए थे, तो गौतम बुद्ध ने बोला भी है कि मैं हमारा बुद्ध भगवान ने बोला ही भी है कि प्रेम, सबको प्रेम करो, और अहिंसा अहिंसा ही परम धर्म है, मतलब कि हिंसा नहीं करना है, सबको प्रेम करके आगे बढ़ना है, तो लाइफ इसी से आगे बढ़ेगी, तो लाइफ इसी से मतलब कि बढ़िया बनेगा। तो ठीक है, तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलेंगे, तो गुड नाइट एवरीवन। और लास्ट में हम एक ही वर्ड बोलना चाहते हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते। सो एवरीवन, बाय बाय।